अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है म्याल। ज़िला चकवाल के एक छोटा सा गांव है जो कि तलागंग से मियावाली रोड पर मौजूद है। म्याल से तलागंग का फासला तकरीबन 33 किलोमीटर है, जबकि म्याल से मियावाली का फासला तकरीबन 69 किलोमीटर है। इस वक्त हम तलागंग से मियावाली रोड पर सफ़र कर रहे हैं और यहाँ ये सामने टमन मोड़ है। यहाँ से हम हो जाएंगे टमन वाली लिंक सड़क पर। इस पे थोड़ा सा सफ़र करने के बाद हम इसको भी छोड़ देंगे और हम उस छोटी सी सड़क पे हो जाएंगे से गुज़रती है, जो कि म्याल के दरमियान से गुज़रती है, और उसको क्रॉस करके हम म्याल की एक बड़ी ख़ास जगह के बारे में आपको बताएंगे, जिसका यकीनन बहुत कम लोगों को पता होगा। और वो जगह है शमशान, यानी कि यहाँ पर पार्टीशन से पहले जब हिंदू रहते थे तो वो अपनी डेड बॉडीज़ को जलाया करते थे, और जला के फिर चूँकि इस पहाड़ी की तीनों तरफ से पानी गुजरता है तो वो डेड बॉडीज़ को जलाते थे, तो जला के फिर पानी में भाग जाते थे। और जब उनकी डेड बॉडीज़ ठंडी होती थी तो फिर उनकी अर्थियां उठा के इसी पानी में बहा देते थे। तो इसलिए ये बड़ी अहमियत की हामिल है। प्लीज़ साथ बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। गो कि ये मेरी पहली वीडियो है और उसमें काफ़ी कमियां भी होंगी, लेकिन इसके बावजूद आप दोस्तों से गुजारिश है कि इसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहूं। जी दोस्तों, इस वक्त हम एक उतराई पे जा रहे हैं। यह उतराई जाती है एक कुदरती पानी की नदी लेटी तक। तो लेटी का एक आपको फिजाई मंजर भी दिखाते हैं, तो फिजा से कुछ ऐसी नज़र आती है। तो इसके बाद हम फिर आपने देखा होगा कि चढ़ाई पे जा रहे हैं, क्योंकि गांव थोड़ा ऊंची जगह पे है और म्याल की तीनों तरफ से तकरीबन पानी गुजरता है। गो के अब मेन नदी पे भी डैम बनने के बाद पानी का बहाव वो नहीं रहा, और दूसरी जो साइडें हैं उन पे भी तो तकरीबन बहुत कम हो गया है। तो ये म्याल का एक मेन बाज़ार आप कह लें। यहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ शहर जितनी तो नहीं, लेकिन गांव के हिसाब से बहुत अच्छी हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि यहाँ के इलाके के लोग अपनी अपनी ज़मीनों में डेरे बना के रहते हैं, और वो अपनी ज़रूरती ज़िंदगी की जो भी उन्होंने ख़रीदारी करनी होती है तो वो म्याल का रुख ही करते हैं। दूसरी वजह ये है कि टमन रोड कनेक्टेड है और वहाँ पे जितने छोटे मोटे गांव हैं वो लोग भी यहाँ का रुख करते हैं, और इसी तरीके से लेटी भी कनेक्टेड है और ढुनाल भी कनेक्टेड है। तो म्याल बस स्टॉप पे जाके आपको ढुनाल के कनेक्टेड रोड दिखाएंगे, टमन का तो आप देख चुके हैं। तो इस वक्त अब हम जब म्याल शहर को तकरीबन तकरीबन क्रॉस कर चुके हैं, तो यहाँ से आपने नोट किया होगा कि फिर उतराई है, और यहाँ पे भी कभी पानी बहा करता था, लेकिन अब पानी का वो बहाव तो ख़त्म हो गया है, क्योंकि ज़िले चकवाल का जैसे आप सब दोस्तों के लम्हे होगा कि अब पानी का जो सतह है वो काफ़ी कम हो गई है। लेकिन फिर भी जब बारिशें हो जाती हैं और अच्छी बारिशें होती हैं तो यहाँ से पानी काफ़ी अच्छी तादाद में गुज़रता है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये जो इलाका अब शुरू, ये जो जगह शुरू हुई है, तो ये अहाता है दरबार बाबा शाह लतीफ़ हमदानी साहब का, और ये दरबार से मुलहिका मस्जिद है। मस्जिद जहाँ पहले भी बड़ी खूबसूरत थी और अब ये नई बनाई जा रही है। यहाँ पर जब उर्स होता है तो मेले का समय होता है सारे एरिया में। तो इस वक्त दोस्तों तकरीबन हम म्याल की जो आबादी, गुंजान आबादी आप कह लें, उसका इलाका उसको हम क्रॉस कर चुके हैं, और ये जिस रोड पे हम जा रहे हैं जो म्याल का कब्रिस्तान है उससे गुजर के भी जाता है। इसके बाद दोस्तों हम अब जाएंगे पहाड़ी के ऊपर और वहाँ से आपको नज़ारा करवाएंगे, कुछ पहाड़ों
पिक्चर्स दिखाएंगे गांव की, जगह है। तो अब हम एक साइड पे गाड़ी रोकते हैं और यहाँ से आपको गांव का थोड़ा सा नज़ारा करवाते हैं। ये गांव की कुछ तस्वीरें हैं। और उसके बाद अब दोस्तों आपको दिखाते हैं गूगल अर्थ का एक स्नैप, जिस पे आप देख सकते हैं कि जो लेटी यानी कि कुदरती पानी की एक नदी है वो कितनी खूबसूरत बनों से म्याल शहर के आसपास से गुजर रही है, ये देखिएगा। और ये देखिए जो रेड निशान के अंदर पहाड़ी है, ये वो पहाड़ी है जिसकी मैं बात कर रहा था। और ये ग्रीन निशान के बारे में भी आपको बताता हूँ। जी देखिए, ये है वो पहाड़ी, इसके ऊपर से सतह हमवार है, इसकी उस वक्त तकरीबन तीन तरफ से पानी गुजरता था और इसके ऊपर वो अपनी डेड बॉडीज़ को जलाया करते थे और फिर पानी में चले जाते थे और फिर यहाँ ही वो अपनी उसकी जो अर्थियाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, वो बहाया करते थे। तो ये देखें मशरक़ की तरफ से नदी आ रही है, बिल्कुल पास है। अब चूँकि डैम बन चुका है तो पानी तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ से पानी बहा करता था और अभी जब कभी बारिशें या डैम से पानी और यहाँ से ज़रूर गुजरता है। इसके अलावा इस इलाके में पहले तो काफ़ी चश्मे भी थे और चश्मों से काफ़ी पानी निकलता था, लेकिन अब चश्मों का वो हिसाब तो नहीं रहा क्योंकि पानी का ज़ेर ज़मीन पानी की जो सतह है वो बहुत गिर चुकी है। तो ये जो जगह है यहाँ पे एक चश्मा मौजूद है। अब मैं चश्मे के ऊपर आ चुका हूँ और ऊपर से खड़े होकर चश्मे का एक आपको व्यू दिखाता हूँ। जी ये है। और अब मैं नीचे जाऊँगा और नीचे जाके यहाँ से पानी का आपको दिखाऊँगा कि इस तरह से। जी अब मैं नीचे आ चुका हूँ, वो सामने वही पहाड़ी है आप देख सकते हैं। और ये है वो चश्मा, देखिए ज़रा जैसे पानी रिस रहा है। जी तो दोस्तों ये थी वो पहाड़ी और अब हम वापसी का सफ़र लेते हैं यहाँ से। ये जो सरसब्ज खेत आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से पहले पानी बहा करता था पहाड़ी के इस साइड पे भी ज़्यादातर चश्मों का। ये तो अब हम वापस जा रहे हैं और मियांवाली से दलागंग की तरफ रोड पे आ गए हैं। तो अब हम मियाल के बस स्टॉप को अब हम क्रॉस करेंगे और ये एक उतर आई है, काफ़ी ख़तरनाक है। ड्राइवर हजरात से मेरी गुजारिश है यहाँ से बहुत एहतियात किया करें। और ये मियाल बस स्टॉप का आबादी शुरू हो जाती है। यहाँ पे ये मार्केट आप देख रहे हैं, ड्राइवर होटल है, इसके अलावा ये है जी स्कूल। यहाँ से बड़े बड़े नाम निकले हैं स्कूल से पढ़ के। और ये है जी बस स्टॉप। हम यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे और रुक के यहाँ से आपको दिखाएंगे कि ढुनाल वाली जो लिंक रोड है वो ये है। तो इसके अलावा दोस्तों म्याल के दरमियान में आपने वीडियो में देखा होगा कि एक मोबाइल टावर है और मोबाइल टावर से बड़ा अच्छा गांव का मंजर नज़र आता है। तो रेहान भाई ने यहां से कुछ शूटिंग की है, वो आपको दिखाते हैं। शुक्रिया रेहान भाई। और जनाब अब हम अड्डे से निकलते हैं आगे और वापस सफ़र शुरू करते हैं शहाब पेट्रोलियम की तरफ, जहां से हमने आगाज़ किया था। इस साइड से हैवी ट्रैफिक ज़्यादा गुज़रती है तो सड़क की सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। पुलिस चौकी और यह है चिलेटी, जिसका मंज़र आपको गूगल अर्थ की तस्वीर में दिखाया था और एक फिज़ाई पिक्चर भी। तो दोस्तों ये मेरी पहली कोशिश थी, यकीनन इसमें बहुत ज़्यादा
खामियां भी होंगी और इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत भी होगी। इसके बावजूद आपसे गुजारिश है कि इसको लाइक कर दीजिए। यह है जी बंगला मोड़, यहाँ पर अब नई आबादी काफ़ी बन रही है, दुकानें मार्केटें भी बन रही हैं यहाँ। तो ये जी सामने काशिफ पेट्रोलियम आ गया। इससे पहले जी ये ड्राइवर होटल है जो आजकल ऑपरेशनल नहीं है। तो इसके साथ ही जी आज की इस वीडियो से मैं चाहूँगा इजाज़त। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और मिलते हैं आइंदा किसी ऐसे वीडियो में। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।